हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज थिएटर में। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या हो सकता है? एक बंदा जो एक एम्प्लॉई है एक कंपनी का, उसको एम्पावर करना ताकि वो खुद अपनी तौर पर डिसीजन ले सके किसी काम को करने का। इसमें सर हेनरी फायोल ने बताया है टोटल 2 पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और जो है फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकंड है अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए इसका, क्योंकि जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबल बनाया है किसी काम को करने का, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम ये काम करोगे, इतने टाइम हमें ये काम चाहिए, उसी बंदे को अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से अपने ढंग से जो के है वो डिसीजन ले सके कि कैसे काम को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, कैसे टारगेट तक पहुँचना है। तो अगर ये सब नहीं होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और बंदे को देंगे, अथॉरिटी किसी और बंदे को देंगे और दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, मिस कम्युनिकेशन होगा, तो क्या होगा? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही बुरा है। तो ऑथर ने बताया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही बैड वे है, बुरा ढंग है काम को करने का। इससे क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो हमारी इनपुट होगी कि प्रोडक्ट को इनपुट करनी है, क्या प्रोसेस स्टार्टिंग में करना है प्रोडक्ट को ले जाने के लिए एट द एंड ऑफ द टारगेट, तो वो भी अनहेल्दी होगी। मीन्स एक तरह की बहुत ही बैड इनपुट होगी, जिसका कारण इसका रिजल्ट क्या होगा, जो आउटपुट आएगी हमारे एट द लास्ट वो भी एकदम लो होगी और डल होगी। मीन जो प्रोडक्ट कंपनी का निकल के आएगा बहुत ही डल होगा, जिससे क्या होगा, जो कंपनी की इमेज है लोगों में बहुत ही डाउन जाएगी। लोग तरह तरह की उसके बारे में बातें करेंगे, क्या है यार बकवास कंपनी है, ऐसी भी होती है कंपनी, ऐसे थोड़ी काम चलता है, जिससे कि उसका जो स्टॉक प्राइस है और मार्केट प्राइस उसका डाउन जाएगा। और जो दूसरा है जो सर हेनरी फायोल ने बताया है वो ये है कि अथॉरिटी के अंडर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही एक बंदे को देनी चाहिए। या तो हम एक ही बंदे को दोनों चीज़ें दें कि तुम रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो और सारी अथॉरिटी तुम्हें है, तुम अपने ढंग से डिसीजन लो, इंडिपेंडेंट तौर पर डिसीजन लो कि तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करना है, बस हमें टारगेट चाहिए। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो एक ही बंदे को होगी, तो ये अच्छा वे है, एक गुड वे है काम को करने का। इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत कम रहेगा, और जो इनपुट है हमारी, जो प्रोडक्ट को कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे रॉ मटेरियल कैसे लेके आना है, वो भी एक तरह की प्रॉपर इनपुट होगी। और आउटपुट है वो तो अच्छी होगी ही, क्योंकि अगर इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट भी अच्छी होगी। इससे क्या होगा, बिल्कुल ओपोजिट इफेक्ट होगा, गुड इमेज जाएगी लोगों में, लोग है अच्छी बातें करेंगे, लोगों के में जो उनका जो स्तर है वो ऊँचा उठेगा कंपनी का, जिससे कि है उसका स्टॉक प्राइस और मार्केट प्राइस अप जाएगा। तो ये थी डिटेल ऑफ अथॉरिटी, जो कि हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका इस बारे में सुझाव हो, तो अगर और कोई वीडियो चाहिए हो आपको, अगले मतलब टॉपिक कोई और है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अंत में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको चाहिए लेटेस्ट अपडेशन हमारे चैनल की, तो प्लीज़ बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। और एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। जय हिंद।